सदकल्लाज़ीम व सदक रसूल नबी। रब ताला के शुक्र के बाद मैं नहायत ही मशकूर हूँ आप तमाम हज़रात का कि जो हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए यहाँ पर आए। आज का जो मौजू है वो हमारे एंगल से बड़ा हसास मौजू है कि हमारे मुल्क का जो अमन है ये हमारी अकीदत और हमारे जितने भी मसलक हैं इनके साथ जुड़ा हुआ है। जब तक मसलकी एतबार से अमन का क़याम नहीं होता, मसलकी इख्तलाफात ख़त्म नहीं होते, उस वक्त तक पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ रिलीजियसली सेंसिटिव लोग हैं अमन का क़याम मुश्किल हो जाता है। और ये हमारे आए रोज़ देखने में भी आता है कि ये हमारे लिए जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके लिए मौआ बना रहता है। तो हमने इस ज़मन में हमारे तक एक खबर पहुंची कि एक इसको आप र्यूमर कह सकते हैं या ये वाकई उसमें हकीकत थी कि मज़ारात औलिया कराम को सरकारी तहवील में लिया जाए। तो हमें इस पे थोड़े से ऑब्जेक्शंस थे कि जो मज़ारात ऑलरेडी सरकारी तहवील में मौजूद हैं जब तक उनका कंस्ट्रक्टिव यूज़ ना हो तो जो दीगर मज़ारात औलिया कराम हैं उनको क्यों सरकारी तहवील में लिया जा रहा है। अगर तो सरकार के तहवील में जो मज़ारात पहले से मौजूद हैं वहाँ से ऐसा पैगाम लोगों तक जा रहा हो जो अमन के लिए हो तो फिर तो वो जितने दीगर मज़ारात हैं उनको भी लें। लेकिन अगर ऐसा मामला नहीं है तो फिर नए सिरे से जो मज़ारात पहले से अपनी दरगाहें लेके चल रहे हैं उनको सरकारी तहवील में लेना ये यकीनन नाकबंद अंदेशी होगी, ये कोई दानिशमंदाना कदम नहीं होगा। मैं थोड़ा सा पहले आपको ये बताता चलूँ कि हम किसी भी मसलक से बालातर होकर बात करते हैं। आप लोग ये हमारे पीछे फ्रेम देख रहे हैं इस पर वातसमु बिहब्लिल्लाहि जमीउ वला तफरकु के अल्फाज कुरानी अहकामात की रोशनी में मौजूद हैं। हमारा मानना यह कि हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है और ला इकराह फिर दीन में इनके दीन में सख्ती नहीं है इस हुक्म की रोशनी में। और एक कुरान के दरमियान में एक लफ्ज़ आता है जिसको आज तक हम समझने से कासर हैं जिसे वल यतलतफ के अल्फाज हैं, ये कुरान का मिड है, इसका मतलब है हमदमी से बात करना। हम लोग इन चीज़ों से नावाकफ़ हैं। हमारा मानना यह है कि खानकाई निज़ाम चूँकि इस चीज़ को प्रमोट करता है नरमी से बात करने का अंदिया देता है और इन अहकामात के ऊपर अमल पैरा होता है। लिहाजा इन सरकारी तहवील में जितने भी मौजूद मज़ारात हैं जैसे कि दरबार हज़रत इमाम सरकार व दीगर जितने भी हैं इन तमाम पर दीनी दरसगाह का बंदोबस्त किया जाए। वहाँ से दीन का वो पैगाम जाए जो कि मुहकमात के ज़ुमरे में आता है, जो कि मुतशाबियात के ज़ुमरे में नहीं आता। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने वाज़ह फरमा दिया कि आपका काम है कि आप मुहकमात को जो उम्मुल किताब हैं उनके ऊपर जोर दें। लिहाजा जितने भी आलम दीन हैं उनका ये काम या खानकाओं के जो गद्दी नशीन हैं उनका काम ये होना कि चाहिए कि ज़रूरियात दीन पर तवज्जो दें कि इंसान से सवाल आखरत में किस चीज़ पर होना है। ऐसा ना हो कि मुतशाबियात के चक्कर में पड़े रहें और मुशाजरात के चक्कर में पड़े रहें। ये चीज़ें हुए हैं जो कि हमारे मुल्क को भी खोखला कर रही हैं और हमारी जो दीन की असल असास है उससे हमें दूर लेके जा रही हैं। अब हम आप सबको इस चीज़ की कॉपी मिल चुकी है
या अगर नहीं है तो आपको ये कॉपीज़ दे दी जाएंगी कि वज़ीर आज़म साहब ने हमारी इस तजवीज़ को कि जो मज़ारात को के ऊपर दीनी दस्तगाह का अहतमाम किया जाए इसको फर्दर आगे सेक्रेटरी मजहबी उमूर साहब को रेफर किया है और उसके ऊपर सजेशन मांगी हैं उनने। हमने उनसे ये कहा है कि चूंकि हमारा बेबी चाइल्ड है लिहाजा आप इसके ऊपर हमसे निसाब लें, हमारे पास ऐसा निसाब मौजूद है जो कि मसलकी इख्तलाफ को ख़त्म तो नहीं कर सकता लेकिन उसको कम करने में कुलीदी किरदार अदा करेगा। हमने इस ये जो हमारी क्वेस्ट है हमारी कोशिश है कि ये मसलकी इख्तलाफात कम हों, हम तफरकाबाजी से इजतनाब करें, हमने इसको अमली जामा पहनाने के लिए 26 फरवरी 2021 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक शाम 7 बजे एक महफिल जिसको हमने मिलाद मुस्तफ़ा व अलील मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम नाम दिया है, हम इसका इनकार दरबार हज़रत बर इमाम सरकार पर करने जा रहे हैं। लेकिन जब हमने इस चीज़ को अनाउंस किया तो हमें इसमें रिटेलिएशन मिली, जबकि हमारे पास 2018 में NOC भी हमें दी गई हमारे मिलाद शरीफ के लिए और उस मिलाद शरीफ को ARYQ TV ऑन एयर भी किया और ये रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं कि हमारा पैगाम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने और तफरके में ना पड़ने का था, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से। तो हमने ये ज़रूरी समझा कि वज़ीर आज़म के इस इंदिए के बाद भी कि हाँ दीनी दरसगाहों का एहतमाम होना चाहिए मज़ारात के ऊपर, उसके बाद भी अगर कुछ महकमे ऐसे हैं जो कि हुकूमत की अपनी ही नहीं सुनते और वो ऐसी चीज़ों में रोड़े अटकाते हैं तो ये हुकाम बाला का काम है और उन दीगर सिक्योरिटी इदारों का काम है कि वो ऐसे इदारों से कोई बास पुरस करें कि आप ये किस साइड पे इस मामले को लेके जा रहे हैं। अब जो हमारे राह में रुकावटें खड़ी की गई, चूँकि मैं इस मीटिंग में मौजूद नहीं था, मेरे ब्रादर मोहतरम पीर सैयद अली गिलानी साहब वहाँ पर मौजूद थे, तो मैं इनसे कहूँगा कि आप लोगों को बड़े इख्तसार के साथ बताएंगे कि वहाँ पर उस मीटिंग में क्या बात हुई, तो ये जब आपको पता चलेगा तो आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की इंशाल्लाह अहमियत का अंदाज़ा भी हो जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादे अलियन मज़र अलजायबी ताजिद हुओ नन लकाफिन नबायबी कुल्लु हमिन वगमिन सयंजली बी अज़मत गया अल्लाह बी नबूवत गया मोहम्मद बे वला एतका या अली या अली या अली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सबसे पहले तो आप सब अहबाब का शुक्रिया कि हमारी कॉल पर आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की। किबला पीर सैयद हैदर अली गिलानी से ज़्यादा नशीन बरी इमाम सरकार ऑलरेडी उन्होंने हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में काफ़ी हद तक बता दिया है, मगर इसको मज़ीद थोड़ा आगे लेके मैं चलूँगा। कोशिश ये करूँगा कि जो पॉइंट्स की बात है उसको मैं डिस्कस करूँ। हमारा पीर हाउस बरी इमाम सरकार तमाम खुफिया इदारों और हकूमत वक्त सब के रिकॉर्ड में है कि हमेशा पीर हाउस बरी इमाम सरकार की तरफ से अमन का पैगाम जारी हुआ है और हम आज तक किसी भी तहरीक का हिस्सा नहीं बने। ये सब रिकॉर्ड मौजूद हैं अदारों में, मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, सारे अदारे इस बात को बखूबी वाकिफ़ हैं इस चीज़ से। इसके बावजूद क्योंकि हम बात करते हैं मोमिन मुसलमान की, फिरका वारियत से बालातर होके, इसमें तो हकूमत वक्त इदारों का भी हमारे साथ भरपूर तरीके से साथ होना चाहिए कि अमन का पैगाम है, पीस पे काम करते हैं, मगर वही पीर साहब वाली बात के बीच में रोड़े अटकाए जाते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमें इन चीज़ों की परवाह नहीं है, हम करबला वाले हैं, हमें पता है हमारे नाना पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दीन है, तो ये बड़ी मुश्किल से हासिल किया है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की अमेंडमेंट्स के लिए हम आवाज़ उठाएंगे अगर इसको किसी और रुख पे लेके अगर जा रहे हैं तो।
मेरी इस्लाम आबाद डीसी हमज़ा शफकात साहब के साथ पिछले मिलादों में भी, इस मिलाद के हवाले से भी ऊपर नीचे तकरीबन 3-4 नशिस्तें हुई हैं। 4 ना हुई हुई तो 3 तो लाजमी हुई हैं। उनसे भी मैंने इस बारे में डिस्कस किया, मगर आपको एक चीज़ सुनकर बड़ा शौक लगेगा और दीगर आपके तवसल से जो इदारे बाकी वो भी सुन रहे होंगे कि हमज़ा शफकात साहब का कहना था कि पीर साहब आपने मिलाद शरीफ दरबार हज़रत बरी इमाम सरकार किया, उन्होंने मौसूफ का नाम लेके कहा कि आप पे गोलियां चलेंगी और मुझे ऊपर से जनरल साहब हैं उनका भी आर्डर है कि इस चीज़ को रोका जाए, मेरे पे प्रेशर है, रिटायर्ड जनरल है। अब बात थोड़ी अजीब सी है कि इस्लामाबाद डिप्टी कमिश्नर ऑफ इस्लामाबाद, ठीक है, अगर वो हमें ये कह रहे हैं तो आप लोगों की जानों का भी फिर मेरे ख्याल में आप हथेली पे रख के चल रहे हैं। अगर इस्लामाबाद, हम गुलंडी कोतल या पेशावर तो नहीं रह रहे, ठीक है, कैपिटल में रह रहे हैं। अगर फिर डीसी साहब का ये मुझे कहना था कि पीर साहब मुझे भी थ्रेट मिला है कि अगर किया तो हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, मैं ये नहीं कि उनके नाम लेने से, सिर्फ ये कि बाकी सारी चीज़ें एक जगह, पाक आर्मी की जो इज्जत है उसको मैं बहुत अहमियत देता हूँ, इसलिए मैं मौसूफ का नाम लेना भी पसंद नहीं करूँगा। वो मेरी हुकामे बाला और दीगर अदारों से ये गुजारिश है कि डीसी हमज़ा शफकात साहब को अपने एतमाद में साथ लें, मुझे भी लें और उनसे वो पूछें जो नाम उन्होंने डिस्पोज ऑफ किए, क्योंकि देखें हमने हमेशा हक पे खड़े होने के लिए हमेशा जंग की है। हमारे अबाव अजदाद, हमारी जद अमजद का यही पैगाम है, जहाँ चीज़ कोई गलत हो, कोई जालम हो, उसके आगे स्टैंड लेना है, तो वो हम लेते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद उन्हें भी ख़तरा है तो फिर हमारी आप लोगों की जानों की हिफाजत कौन करेगा कैपिटल में। मेरी रिक्वेस्ट है, और ये मैं नहीं कहता कि इसमें डीसी साहब का कसूर है, हो सकता है उन्हें हो भी, ठीक है, मगर मैं यहाँ पे जो भी बात कर रहा हूँ हल्फन मैं कोई ऊपर नीचे अपनी तरफ से ऐड करके नहीं कर रहा, और ना मेरी आदत है। जो बात मैंने उनसे सुनी मैंने आपके सामने वो पेश कर दी, और मैं उम्मीद करूँगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ आर्मी कमर बाजवा साहब, चीफ जस्टिस और दीगर जो भी इदारे जिनके कस्टडी में ये सारा सिस्टम आता है, वो इस चीज़ का नोटिस लें, क्योंकि देखें मैं नहीं चाहता मेरी एक आवाज़ पे पंजाब दीगर इलाकों से हमारे अकीदतमंद मुरीद भी आ सकते हैं, मगर हम इन चीज़ों के अगेंस्ट हैं, हम फसाद के अगेंस्ट हैं, हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा कदम जिससे हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ हो, रास्ते बंद हो, ठीक है। और ये मैं इस वजह से ये बात मैंने ऑन एयर की है, अल्लाह माफ़ करे, ये नहीं कि मुझे अपनी जान का डर है, वो तो हम हथेली पे रख के चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है, सिर्फ ये कि मेरा यहाँ से पीर हाउस से ये मैसेज अदारों तक मेरे ख्याल में पहले अखबारात और दीगर ज़राए से आगे ट्रांसफ़र होता रहा और उनके रिकॉर्ड में भी मौजूद है, मगर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि आप तमाम मीडिया चैनल के तवसल से मैं अपनी ये रिक्वेस्ट जो है काम बाला और दीगर अदारों तक पहुँचाऊँ। और मैं दुआ करूँगा आखिर पे कि अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल पाक के सदक़े हम पर, आप पर, तमाम अहले इस्लाम व अहले ईमान पर अपनी ख़ास नगाह करम अता फरमाए और सबको महफूज रखे। आमीन, इल्लाही आमीन सुम्मा।
अब अगर इसमें कोई क्वेश्चन है आपके तो जी मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा सर, आपने बात की कि डीसी साहब ने ये बात सिर्फ बरिमाम तक यात्रा की है या वो तमाम दरबार उन्होंने दिया मिला या तमाम दरबार को बंद किया जाए? नहीं, ये दरबार को बंद करने की बात नहीं, ये इन स्पेसिफिकली हमारे मिलाद शरीफ को रोकने के लिए बात हुई है। ठीक है, अगर आप दरबार वली इमाम सरकार की आप हिस्ट्री उठा के देखें ना, तो आपको पिछले 6 माह में आपको कोई मुतअद्दिद इवेंट्स मिलेंगे, जो लोग अंदर गए हैं उन्होंने जाके इवेंट्स किए हैं वहाँ पर, बाकायदा अगर आप कहेंगे तो आपको फुटेजेस भी मिल जाएंगे, हमारे पास वो मौजूद हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर हम दरबार वली इमाम सरकार को कोई पीस का पैगाम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसका मतलब है दरबार शरीफ का असल जो मकसद था वो तो आपने खोद कर दिया। आप ये कह रहे हैं कि आप लोगों को ये अलाउ कर रहे हैं कि दीगर अहबाब डिफरेंट एरियाज से आते हैं, वो 4-4, 5-5 दिन का स्टे करते हैं, एक साहब आते हैं, हम लगी लुपड़ी बात नहीं करेंगे, ओपन बात करेंगे, वो यहाँ पर आके 5 दिन का स्टे करते हैं, वो कोई अपने साथ कोई नजर न्याज बकरे वगैरह ले करते हैं, जबह करते हैं, वो भी पिछले दिनों आए हैं, वो यहाँ पर रहे हैं, इसके अलावा इवेंट्स होते रहते हैं। ये आपके कैनी साहब इसी इलाके के हैं, उनको पता है किसी इवेंट को रुकने की इजाज़त नहीं है। हमारे एक नुमाइंदा खसूसी को राजा उमर को डीसी साहब ने कहा है कि पीर साहब मेरे से पूछते हैं तो फिर मैं रोक लेता हूँ, तो वो लोग तो मेरे से पूछते नहीं है। तो अभी बड़ी अजीब सी बात है कि जो पूछ रहा है तो आप उसको रोक रहे हैं और जो नहीं पूछ रहा उसको। और हमें 2018 में NOC इशू की गई और उस इशू करदा NOC के इवज जो हमने अपना मिलाद कराया वो मुकम्मल तौर पर अमन से भरपूर था। आप उसका मैसेज उठा के देखें, आप कैनी साहब से ले सकते हैं, हसनैन शाह साहब से ले सकते हैं, आपको पता चलेगा कि उसमें नफाक डालने वाली कोई बात नहीं की गई। हमारे पीछे हमारा लोगो हमें रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पीर हाउस का मंशूर है और हम इंशाल्लाह ता दमे मर्ग इस पर कायम रहेंगे। तो लिहाजा ये सिर्फ इन स्पेसिफिक हमारे मिलाद शरीफ की बारी होता है। ये पिछले साल 2019 में भी इसको हर्डल्स डाल के रोक दिया गया मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, आज ये हो गया जी, आज वो हो गया, फिर कोरोना आ गया। आज बात यह कि कोरोना दीगर जगहों पर भी है, वहां पर ये चीजें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक इन स्पेसिफिक हमारे मिलाद को रोकने की उस हम ये चाहते हैं कि इसके पीछे मुहरकात देखे जाएं। जैसे पीर साहब ने कहा कि इन स्पेसिफिकली नाम लेके कहा गया कि फलां साहब और फलां साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि गोलियां चल जाएंगी। अब ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का सरबरा, यानी ये आप ये कह सकते हैं मालिक इस्लामाबाद का, वो हमें कह रहे हैं कि गोलियां चल जाएंगी, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन आप लोगों के तवसत से एक चीज़ में गोश गुजार करना चाहूँगा कि थोड़ा सा उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी नस्बत हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अगर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल ने ये जानते हुए कि यजीद दरिया फरात पे खड़ा हुआ है, ठीक है, उन्हें फिर भी अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, तो हम इस चीज से डरने वाले नहीं कि गोलियां चलाएगा तो हम रुक जाएंगे। ठीक है, हम इंशाल्लाह मिलाद के लिए फिर भी वहीं जाएंगे, ये हम इसके लिए पूरा समय। लाइट आज क्या वजह हुई है? वो ट्रिप ना हुआ हो, वो वहां से खोलेंगे ना शीशा हटाएंगे तो उसके शीशा हटा के पीछे से आदिल खान को पता है वो शीशा जो है उसके पीछे है। आपकी जो कौमी अमन कमेटी है उसके बारे में जो वजारत मजहबी अमूर है उसने बकायदा एक लेटर जारी करके कहा है कि ये फेक है और आप लोगों ने हुकूमत की जो स्टैंप भी इस्तेमाल की है वो भी फेक है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। और दूसरा ये कि आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो पीर साहब थे बड़ी इमाम सरकार उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो जो सजादा नशीनी है वो आल औलाद से ट्रांसफर होती है, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप कौन से चैनल से? अच्छा एक चीज़ मैं आपको वाजह कर दूँ, एक तो ये जो प्रोग्राम इवेंट होने जा रहा है ये पतन कौमी अमन कमेटी का इससे ताल्लुक नहीं है। अगर उसके मामले में कोई ऐसी चीज़ है तो हमने उसका लेबल तो यूज़ ही नहीं किया, ना हम उसका लेटर पैड यूज़ कर रहे हैं ना स्टैंप यूज़ कर रहे हैं। हमारी स्टैंप पीर हाउस की चल रही है, हमारा लेटर पैड पीर हाउस का चल रहा है। पहली चीज़ तो आपका ये जवाब हो गया, हमारा कौमी अमन कमेटी अगर कोई ऐसे मामला हैं तो वो वजारत दाखिला मौजूद है, दीगर अदारे मौजूद हैं, सजा के देखें, हमने किसी को रोका नहीं, पेपर वर्क उनके पास मौजूद है जो सरबराह इस चीज़ के। दूसरी जो आपका सवाल है कि सजादा नशीन उनकी औलाद नहीं थी, तो ये थोड़ा सा समझने की चीज़ है।
कि सजादा नशीन या गदी नशीन वो लोग होते हैं जो किसी भी दौर में उस गदी को टेक ओवर करके उसका निज़ाम नस्ब चला गए। तो एक दौर ऐसा भी था जब हमारे आबाओ अजदाद भी गदी नशीन थे, तो हम सबका गदी नशीनों में से। प्लस हजरत दरिमाम सरकार जब भी कोई वली अल्लाह मैदान अमल में उतरता है तो उसके पीछे पूरी एक रवायत होती है। तो हज़रत बरीमाम सरकार खुद बैत याफ्ता हैं हज़रत पीर से जमालुल्लाह शाह गिलानी अलमारूफ सखी से हयातुल मीर सखी जिंदा पीर सरकार से, और सखी जिंदा पीर सरकार हमारे आबाओ अजदाद हैं। तो बरीमाम सरकार जो हैं हमारा घर उनका मुर्शद खाना है, हमारी जो फैमिली है ये मुर्शद खाना है। ये बड़ी टेक्निकल टर्म्स होती हैं, ये अहल इल्म और अहल फ़ख्र समझते हैं, ये आम लोगों की समझ नहीं आती, इसलिए ऐसी चीज़ों को उठाया जाता है। अब जो मुर्शद खाना है वो किसी ज़माने में भी टेक ओवर करने का हक रखता है, उस चीज़ को आगे लेके चलें, क्योंकि सारी तरीके तो सिलसिला वो चल रहा है। फिर जो एक दूसरा लिंक हमारा हज़रत बरीमाम सरकार से मिलता है वो कादरी सिलसिले का मिलता है। हम सिलसिला कादरिया से हैं, हुज़ूर गौसवा की औलाद से हैं, और आप भी बैत याफ्ता हैं और उसी सिलसिला कादरिया से बैत हुए हैं। तो ये जो दो एंगल हैं इससे को इस्तेमाल करते हुए, इसको देखते हुए हम सजादा नशीन लगाते हैं। लेकिन आप एक चीज़ बड़ी वाजे देखें, क्या हमारे किसी लेटर में ये चीज़ मेंशन है कि हम दरबार को टेक ओवर करना चाह रहे हैं? अगर तो हमारा ये कोई हमें अंदिया दिया हो, हमारे प्लान्स ऐसे हों, हम ये चाह रहे हैं कि एक दरबार शरीफ मौजूद है, वहाँ पर एक अच्छा एक दरसगाह का क़याम होना चाहिए, एक दीनी निज़ाम होना चाहिए, दीन की असल जो मैं उमुल किताब की बात कर रहा हूँ, असल असास को सामने लेकर आना चाहिए। और वो इसलिए कह रहे हैं कि मैं अगर एक मस्जिद बना के बैठ जाऊँ तो उस मस्जिद में देखा जाएगा कि यहाँ पर नमाज कौन सी हो रही है, अहले सुन्नत वही हो रही है, तो अहले तशरीह तो नहीं आएंगे वहाँ पर कम अज़ कम, अहले हदीस भी नहीं आएंगे, देवबंद भी नहीं आएंगे, हर के नमाज पढ़ने का अपना तरीका है। लेकिन खानकाह के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, पीर ने किसी ने लिख के खानकाह पे नहीं लगाया तो यहाँ पर शिया सुन्नी का कोई तफरका है। हम चाह रहे हैं, हम तो उसको कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करना चाह रहे हैं, इसमें कतन कौमी कमेटी का कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही हमारा कोई इरादा कि फ्यूचर में इसको टेक ओवर करें। ताल्लुक ना से थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि वो जो वज़ारत मज़हबी अमूर कह रही है वो कहाँ जस्टिफाई कर रहे हैं और आप कहाँ? उसका जवाब मैं आपको, वो आपको इलीगल डिक्लेयर कर रहे हैं कमेटी। अच्छा, उसमें ये जी उसमें ये कि अगर कौमी अमन कमेटी किसी भी एंगल से इलीगल है तो उसके लिए नोटिस इशू हो जाना चाहिए। अच्छा नहीं, वो हमारी तरफ नहीं आया। 2019 में अच्छा, अगर ऐसी चीज है तो वो बिल्कुल उसको डिक्लेयर करें, उसको सामने लेके आए और उसके वो ग्राउंड्स बताएं कि किस बेसिस के ऊपर उसको आपने अपने ही डॉक्यूमेंट्स जारी करदा जो है उनको आपने ख़त्म किया। ठीक, तो ये लेकिन ये देखें, ये तो ऐसे हो गया ना कि हम असल चीज़ को छोड़ के, ठीक है, हम दीगर चीज़ों के ऊपर तवज्जो देना शुरू करें। मैंने आपको बताया कौमी अमन कमेटी का जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक ही नहीं है, ठीक, हम उससे डिस्कस, हाँ, किसी भी फोरम पे अगर वजारत मजहबी उमूर या वजारत दाखिला चाहती है तो जो चेयरमैन साहब हैं उनसे डिस्कस करें। हमारे पास अगर उन्होंने आके कहा कि जी आप इसके सदर बन जाए, पीर अली साहब को कहा तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पेश किए, इन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखते हुए तो कहा तो ठीक है, हाँ जी मैं बन देता हूँ। और मकसद एक ये था कि कौमी अमन कमेटी है, इसने अमन का क्याम करना है, मसालिक माबैन इख्तलाफ काम करना है, तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। हमें ये बताया गया कि वो तो वजारत दाखिला के अंदर है, उसके बाकायदा एड्रेस भी देंगे। अगर ऐसी चीज़ नहीं है तो बिल्कुल आप वजारत दाखिला इस हरकत में आए और उनसे बासुर्स करें, और अगर वो बासुर्स करेगी और उसमें ऐसी चीज़ निकलती है कि वो नहीं है कौमी अमन कमेटी, तो ना तो हमने सरकार से कोई तनख्वाह ली है, ना कोई मरात ली है, ना कोई सरकारी गाड़ी इस्तेमाल की है, तो हम लिखवाना छोड़ देंगे। बड़ी साहब से ठीक। अच्छा मौलाना पीर साहब, एक जितना मुझे इलम है मुहर्रम में भी कुछ लोग जुलूस के लिए ये रोकते हैं, और इसके अलावा ऐसी क्या वजह है पीछे कि ये जो लोग हैं ये इस इवेंट को रोक भी, ये अमन के लिए एक इवेंट होता है, क्या मकसद है इनके पीछे ये रोकने का, या इतना ये हमारे डीसी साहब इतने बेबस हैं कि उनके सामने कुछ कर इजारादारी एक अरसे से एक इजारादारी का निज़ाम चलता आ रहा है। हमारा कतन मकसद, मैं आपकी विसातत से वाजे करना चाहता हूँ, हमारा कतन मकसद किसी घर किसी डेरे या किसी के बारे में बात करना नहीं है, या उसको नीचा दिखाना है, उसको मुकाबले माना नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि जब हम अपना काम कर रहे हैं, हम आपको नहीं छेड़े तो आप हमें भी ना छेड़ें। ये आप मीडिया को बुलाने का मकसद यही था कि जब ये आला हुकाम तक ये बात पहुँचे तो उस चीज़ का नोटिस लें कि जो पैगाम है अमन का, उसी को रोकने के लिए क्यों ये मामला किए जा रहे हैं। या तो ऐसे हो कि आप हमें एक मौका दें और उस मौके के दौरान आप उसको क्लोजली विटनेस करें, हमारी महफिल को आप देखें कि उसके कंटेंट्स क्या हैं, और क्या हम हेट स्प्रेड कर रहे हैं माशरे में, क्या हमारी वजह से मुल्की अमन खतरे में पड़ रहा है,
या इलाके का अमन खतरे में पड़े, अगर ऐसी चीज नहीं है तो फिर वो इस चीज को फाइंड आउट करें ये कौन से नासर हैं, क्योंकि हमारा काम दीन के ऊपर स्ट्रेस करना है ना कि किसी पर्सन को। हमें बड़ा क्लियरली हमारे जो हल्का अहबाब है उन्होंने कहा कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लें उन लोगों के जो आपको लिए गए। हमने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम फिर भी उनको कवर देंगे और हम सिर्फ ये बात डीसी साहब के उसमें डालेंगे कि डीसी साहब खुद उम्मीदवारों को बताएं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो उनसे भी अबव हैं या अबव द लॉ हैं, जो ये कह रहे हैं कि अगर आपने भी इजाजत दी और वो आ गए तो हम गोलियां चला देंगे। तो ये बड़ी एक सरप्राइजिंग चीज है कि और उसमें खास करना जो एक और मेन चीज है वो ये है कि इंसान अपनी नाअहली छुपाने की खातर पाक आर्मी को घसीटना शुरू कर देता है कि जी कर्नल के फोन आ रहे हैं, जनरल का फोन आ रहा है, रिटायर्ड जनरल है, वो मुझे जान नहीं छोड़ रहा। बात यह है कि बाकी सियासत में तो हमने देखा है जिस तरह आर्मी को रुसवा कर रहे हैं, हमारे मुल्क का एक असासा है जिस वजह से ये आप भी हम सारे कितने सुकून में बैठे हैं, बड़ा एटमोसफेयर है। ये उनसे पूछें जिनकी औलादें बॉर्डर पर जंग लड़ रहे हैं, जिनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, ठीक है, उनके साथ कंपैरिजन करें, फिर उनका नाम गलत इस्तेमाल करना, ठीक है, अगर किया है तो खुल के सामने आकर बताएं आप क्या वो किसी के घर से खा रहे हैं, ठीक है, आप क्यों किसी के, आप अपनी फेवरेटीज, क्योंकि आप जिस अदारे में जिस पोस्ट पे मुनसब हैं, ठीक है, वो सब के लिए बराबर है, ठीक है, ना कि आप अपने जो फेवरेटीज हैं उन्हें आप इजाज़त दे दें और जो फेवरेटीज नहीं है आपके उन्हें आप कहें कि नहीं जी ये मसला है वो मसला है। हमें सब पता है, क्योंकि देखें ना अब हम खानकाह का सिस्टम चला रहे हैं, दीनी रूहानी हर चीज़ से अल्लाह पाक का इतने पाक के सदके हम पे करम है, हमको मूलियाँ गाजरें तो नहीं बेच रहे कि हमने आँखें बंद की हुई हैं, हमें पता नहीं है, ठीक है, हमें सब पता है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि जो उनसे अबव हैं वो इस चीज़ को एड्रेस करें, इस चीज़ को सामने ले के आएँ। हम नाम बताने में क्या, वो तो मैं भी बता दूं, ठीक है, मगर क्या है कि हम फिर भी ये कह रहे हैं कि खुफिया जो इदारे हैं वो डीसी साहब से खुद पूछें कि वो कौन है, अगर डीसी साहब नहीं बताते तो मेरे पास रابطہ कर ले, मैं फिर बता दूंगा। और इसमें अगर परमिशन इंतजामिया की तरफ से आपको नहीं मिलती तो ये मिलाद शरीफ, जी मैं उसका आपको जवाब देता हूँ। देखें परमिशन आपको चाहिए, बाकी इनमें हजरात में से कोई है इन्हें परमिशन चाहिए, डीसी के लेटर पैड पे औकाफ पे सरकारी उसमें पीर सैयद मोहम्मद अली शाह गिलानी सजादा नशीन दरगाह हजरत बरी इमाम सरकार लिखा है, कॉपियां मुझसे ले लेना आप, उनके साइन स्टैंप हुए हुए, ठीक है ना, हम सजादा नशीन हैं, ठीक है, हमें इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम इजाज़त, क्योंकि हम हर चीज़ कानून के दायरे में रह के करना चाहते हैं। ये 2018 में एनओसी इशू हो चुकी है और उसके अंडर मिलाद शरीफ दरबार शरीफ में हो चुका है और वो एनओसी कैंसिल नहीं हुई है, वो स्टैंड स्टिल अपनी जगह पे वैलिड है। एनओसी ऐसे होता है कि जब आपको वो इशू हो गई है तो फिर वो देखते हैं कि पिछले साल कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं चला जो माशरे में हेट फैला रहा है, अगर वो नहीं फैला रहा तो उसको इसी तरह रखा जाता है। हमारे नई एनओसी का तो मकसद बनता ही नहीं था कि हम दोबारा से जाके लें, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो हमारे नुमाइंदे को कह रहे हैं कि पीर साहब अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं रोक दूंगा, जो नहीं पूछ रहे वो कर रहे हैं, फिर इसमें तो हम नहीं फर्दर उसकी तरफ नहीं जा सकते। पीर साहब ये बताइएगा कि इतनी थ्रेट होने के बावजूद क्या इस दफा विवाद करने जा रहे हैं आप? जी इंशाल्लाह, मैंने जैसे आपको पहले अर्ज किया कि हमारा कतन हम एक चीज पर अपना ईमान रखते हैं कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल कुलू वशरबू मिन रिज़्किल्लाह वला तअसफू फिल अर्ज़ मुफ़सिदीन, कि ज़मीन पर खाओ पियो लेकिन ज़मीन पर फसाद मचाते ना फिरो। हम उसके ऊपर मुकम्मल यकीन रखते हैं, हमारा कतन ऐसा कोई मकसद नहीं होता। आपने हमें किसी बिजनेस किसी और ऐसी सियासी एक्टिविटी में नहीं देखा होगा और ना ही हम इस फसाद फैलाने के कायल हैं, लेकिन चूंकि मामला ऐसा आ गया जहां पर एक मुकम्मल थ्रेट दी जा रही है एक बड़े बाख्तियार अदारे की तरफ से, उसके सरबराह की तरफ से, हम ऐसे में मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो लिंकेज है वो हज़रत इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम से जाके मिलता है और 14 साल पहले भी उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, तो ये गोलियाँ हमें ढुलाने के लिए नहीं है, ठीक है। लिहाजा हम इंशाल्लाह उसी एनओसी की रोशनी में और हम इस चीज़ की रोशनी में कि हम उस दरबार शरीफ पर कोई ऐसा काम करने नहीं जा रहे जो कि इखलाकियात से हट के हो या जो माशरे में अनाज या फिरका वराना तासुब की फ़िज़ा पैदा करे।
जब हम ऐसे नहीं करें तो इंशाल्लाह डेफिनेटली हम वहाँ पर जाएंगे, मिलाद शरीफ बनाएंगे और इंशाल्लाह आप भी देखेंगे कि वहां से पैगाम क्या जाएगा। अगर आप मेरे किसी पैगाम को जाते हुए ये देखें ना कि वो इस ला इकराह फिर दीन की जो रोशनी ऐसे हट रहा है, ठीक है, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि ये पीर साहब ने गलत किया, इंडिया को छोड़ दिया था फिर आगे और चले गए। हमारे माजी के तमाम बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, वो उठा के देखे जा सकते हैं। तो लिहाजा इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये इदारे हमारे साथ तआवुन करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे उम्मीद है कि डीसी साहब भी और दीगर इदारे भी हमारे साथ तआवुन करेंगे। आप लोग मौजूद हैं, आप लोगों को मैं बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर बैठे हुए दावत देता हूँ कि बराए मेहरबानी उस दिन आप कवरेज के लिए ज़रूर आएँ। उसकी एक वजह तो ये है कि हमें अल्लाह के इस पैगाम को पहुँचाना है। मेरा जो काम है मैं कुरान पढ़ के कर सकता हूँ, समझ के कर सकता हूँ, आपका काम है आपके बगैर भी नहीं चलता, हम आपके भी डिपेंडेंट हैं। आप इस मैसेज को स्प्रेड करेंगे तो लोग अंदर पहुंचेगा। तो आप लोग उस दिन भी आएँ, इसको कवरेज करें, हमारे साथ उस वक्त आपका मौजूद होना बड़ा लाजमी है ताकि आप लोग खुद इस चीज़ को विटनेस करें कि हम कैसे चलते हैं। आया हम जब यहाँ से जाएंगे तो हम आम लोगों की तरह जाएंगे जो फसाद बर्पा करते हुए जाते हैं या किस तरीके से जाएंगे, तो आपके सामने इंशाल्लाह बड़ा वाज़ेह हो जाएगा। और दूसरा ये कि तुसा लोग जरा गोलियां भी कवरेज कर लसो जितनी चल सो, ठीक है, और एक हॉट न्यूज़ सामने मिल जाएगी, हॉट न्यूज़ मिल जैसी और मजीद कोई। अच्छा दूसरा एक और चीज मैं वो बता दूं कि स्पेशल ब्रांच इंतजामिया के जितने इदारे हैं सारों की रिपोर्ट्स क्लियर की रिपोर्ट है हमारे पास, डीसी साहब के पास है और शेख रशीद साहब के भी उधर आपने हवाले से वो भी किया। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी मच। लंगर का बता पहुंच के।